देखिए मोहन और राकेश ने क्रमशः 15,000 रुपया और 45,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया, उसके लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो जिस अनुसार से पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में लाभ होगा। तो पूंजी है 15,000, मोहन और राकेश दोनों का पूंजी, एगो का है 15,000 और एगो का है 45,000। तो पूंजी ज्यादा लगाया काट देंगे, 300 कट गया, 15 कम 15 या 45। पूंजी है आपका 1:3, तो लाभ भी होगा 1:3। आंसर